महामंगले पुण्यभूमे तदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन हिंदुराष्ट्रांग भूता इमे सादरं त्वान्नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजयां च विश्वस्य देही शक्तिम् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवे श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतन्नः सुगं कारयेत् समुत्कर्ष निःश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तरन्तस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम् भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम। एक दो तीन आ रम स्वस्थ। 85 अधिकारी उपस्थित, विशेष निमंत्रित सज्जन वृंद कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। संघ दक्ष स्कंद संघ प्रत्युत प्रचलनम केंद्रतः प्र चल चल रहे है चरण अगणित ध्येय
ते पथ पर निरंतर ध्येय के पथ पर निरंतर श्रेष्ठ जीवन की धरोहर पूर्वजों से जो मिली है विश्व को सुख शांति दात्री जो यहाँ संस्कृति पली है उसे रखना चिरंतन मृत्यु का भी सिर कुचल कर चल रहे है चरण अगणित ध्येय के पथ पर निरंतर ध्येय के पथ पर निरंतर खून शक बर्बर यवन की मौत इस भू पर हुई है आंग्ल मुगल विदेशियों की जीत हार बनी यही है अंत में विजयी हमी है आदि का अभिमान लेकर चल रहे है चरण अगणित ध्येय के पथ पर निरंतर ध्येय के पथ पर निरंतर भ्रांति जनमन की मिटाते क्रांति का संगीत गाते एक से दशलक्ष होकर कोटियों को है बुलाते मातृभू की अर्चना में विजय का विश्वास रख कर चल रहे है चरण अगणित ध्येय के पथ पर निरंतर ध्येय के पथ पर निरंतर साध्य करना है हमें गीता प्रदर्शित ध्येय सपना बस उसी की पूर्ति के हित हो समर्पित जन्म अपना तुष्ट मा होगी तभी तो विश्व में सम्मान पाकर बढ़ रहे है चरण अगणित बस इसी धुन में निरंतर ध्येय के पथ पर निरंतर चल रहे है चरण अगणित ध्येय के पथ पर निरंतर ध्येय के पथ पर निरंतर संघ दक्ष।
अक्ष स्कंद संघ प्रदक्षिणं संचलिष्यति गणस्तंभ विह गणशः दक्षिणतः चतुर्व्य गणे प्र चल Thank you.
सम्यक क्रमिका सिद्ध छठपदी स्वागत प्रकार एक विभाक्ष एक एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दो एक दो द्विमुखी गतियुक्त प्रकार तीन विभाग शह एक एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह विभाग शह दो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह भेद भ्रमण मार द्वय एक दो क्रमशः एक एक दो तीन चार पांच छह क्रमशः दो एक दो तीन चार पांच छह क्रमिका सिद्ध भुज दंड एक दो गण एक पदांतरेण स्थल दंड शरीर सिद्धता प्रयोग सम स्थिति शरीर सिद्धता प्रयोग सिद्ध नियुद्ध प्रयोग एक गुरु प्रहार सिंह चतुष्क क्रमशः एक दो क्रमशः चार प्रयोग तीन क्रमशः एक क्रमशः दो गड़ा
पद दक्षिण सर भूज दंड गण दक्षिण वाम पृत चतुष्पद पूरा सर वाम दक्षिण पृत प्रचल Thank you.
संघ दक्ष उप विषम नागपुर महानगर संघ चालक माननीय राजेजी लोया, इनसे प्रार्थना करता हूं कि आज के अपने उत्सव का प्रास्ताविक आभार करें। परम पूजनीय सरसंघचालक जी, माननीय प्रांत संघचालक जी श्री रामजी हरकरे, माननीय नागपुर महानगर सहसंघचालक जी श्रीधरराव जी गाड़गे, माननीय अखिल भारतीय अधिकारीगण, प्रिय स्वयंसेवक बंधुओं, हमारे आमंत्रण पर आज के उत्सव में ऑनलाइन भाग ले रहे आदरणीय संतगण, अतिथिगण, सज्जन वृंद एवं मातृशक्ति, विजयादशमी के इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर महानगर की ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को ज्ञात है कि संघ के 6 उत्सव में नागपुर का विजयादशमी उत्सव बड़े विशाल स्वरूप में यहां के रेशिमबाग मैदान में होते आ रहा है। कोविड के नियमों को ध्यान रखते हुए विशाल स्वरूप में तो नहीं, विशाल संख्या में नागपुर में 48 स्थानों पर नगर इकाई रचना के माध्यम से संपन्न हो रहा है। उन कार्यक्रमों में भी शारीरिक, प्रात्यक्षिक, सामूहिक गीत इत्यादि के साथ समाज बंधुओं की उपस्थिति में प्रस्तुत हो रहा है। वे हमारे साथ सीधे प्रसारण लाइव स्ट्रीम के माध्यम से जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम का भी हिस्सा बनेंगे। संघ निर्माता संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 में एक ऐसा तंत्र खड़ा किया जो प्राकृतिक आपदाएं हो या अप्राकृतिक अड़चने पैदा की गई हो, संघ का कार्य पिछले 97 वर्षों में निरंतर चल रहा है। परंतु इस तंत्र का मार्मिक पक्ष हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। कौन से अवगुणों से व्याप्त होने से समाज असंगठित, जर्जर और दुर्बल हो गया और शक्तिहीनता की वजह से उसे पराभव, परतंत्रता और सभी क्षेत्रों में निकृष्ट अवस्था प्राप्त हुई। इसके कारण उन्होंने समाज के सामने रखे व्यक्तियों में सामाजिक भावना का अभाव, धर्म और संस्कृति केवल तांत्रिक और औपचारिक स्मरण और पालन पर्याप्त नहीं, समस्त विदेशी आघातों से उससे रक्षा करने के लिए जान हथेली पर रखकर चलने की तैयारी होती है। इस विषय का अज्ञान, सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता, परस्पर की नित्य सहायता करने की तत्परता न होना इत्यादि। परंतु उन्होंने समस्या अथवा विचार ही नहीं रखे अपितु उसे दूर करने का उपाय भी दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कर उन्होंने व्यक्ति व्यक्ति पर सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन के सुसंस्कार एक सूत्रबद्ध एवं अनुशासित शक्ति के रूप में सिद्ध भी किया। उसका ही परिणाम है कि अनेक क्षेत्रों में समाज में स्वयंसेवकों के प्रयासों से हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति आस्था बढ़ी है। संवेदनशील समाज और परस्पर सहायता का गुण, जिसका हमें कोविड काल में विशेष अनुभव आया है, ऐसे अनेक गुणों से परिपूर्ण समाज आप सामने खड़ा है। पिछले एक वर्ष में हमने समाज के साथ मिलकर जो सेवा कार्य किए उसका अनुभव और राम मंदिर समर्पण अभियान में व्यक्तियों और परिवार से बातचीत से जो अनुभव हमें आया है वो ये कि सिर्फ सेवा कार्य ही नहीं, सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, अपितु पूरे देश में घटित अन्य घटनाओं और विचारधाराओं को लेकर समाज में व्यक्तियों में चिंता, उस पर चिंतन, ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, ऐसी उनकी आतुरता का अनुभव भी हमने किया है। अक्सर ऐसी मनुस्थिति में वह व्यक्ति
या समूह सेवा कार्य में लगकर राष्ट्र के प्रति मेरी जवाबदारी पूर्ण हुई सिर्फ इसी अवस्था में न पहुंचे, इसका चिंतन हम स्वयंसेवकों को करना होगा। ऐसे जागरूक व्यक्ति और परिवार में विचार क्रांति के लिए सतत मिलते रहना होगा। उन तक ज्ञान अस्त्र यानि पुस्तक सद साहित्य लेकर पहुंचना होगा। घर घर में आपस के चर्चा के विषय कौन से हो, आज चिंतन किस बात पर हो, राष्ट्रहित में कौन से विचारों पर अमल हो और अभ्यास चर्चा और चिंतन के कौन सी एक एक करणीय बातों को पूर्ण करते हुए आगे बढ़े, यह सब जागृति और प्रेरित करने की जवाबदारी हम सभी स्वयंसेवकों पर है। उन्हें संगठित कर एक शक्ति के रूप में खड़ा करना होगा। अपनी शक्तियों का जागरण और उसके माध्यम से राष्ट्रीय विचारों का जागरण, इस बात का संकल्प आज के विजयदशमी पावन पर्व पर हम लेकर और आगे बढ़ें। आज का उत्सव सभी के सहयोग से पूरे उत्साह के साथ सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है। हमारे निमंत्रण को मान देकर पूज्य संतों ने ऑनलाइन हमें आशीर्वाद दिया है। आपकी कृपा निरंतर मिलती रहे, यही कामना करता हूँ। विशेष अतिथि नागरिक बंधु और मातृशक्ति ने नागपुर में अन्य स्थानों में आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित होकर हमें अनुग्रहित किया है। मैं उन सभी का हृदय से आभारी हूँ। नागपुर के 48 स्थानों पर जो अन्य संस्थाओं के सहयोग से सुचारू रूप से उत्सव चल रहे हैं, यहाँ के उत्सव के लिए डॉक्टर हेडगार्ड स्मारक समिति तथा न्यू इंग्लिश हाई स्कूल धनवंतरी नगर विद्यालय सीपीएन बरार सोसाइटी जिन्होंने हमें पार्किंग की व्यवस्था दी, ऐसे सभी को सभी संस्थाओं को धन्यवाद देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नागपुर यूसीएन इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कर रहे हैं। पत्रकार बंधु वृत्त पत्र के प्रतिनिधि छायाचित्रकार इस उत्सव को देश विदेश के हर कोने में पहुँचाते हैं, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुलिस प्रशासन नागपुर महानगर पालिका नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल तथा अन्य प्रशासकीय अधिकारियों से हमें सहयोग प्राप्त हुआ है, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। अभी यहाँ व्यक्तिक एकल गीत होगा। परम पूजनीय सरसंग चालक जी से अनुरोध है कि उसके बाद अपने उद्बोधन से हमें प्रेरित करें। शक्ति प्रेम काहम भाव धारण कर चले, शील शक्ति प्रेम काहम भाव धारण कर चले, राष्ट्रहित का ध्येय उरले विजय पथ पर बढ़ चले, संघ पथ पर बढ़ चले, संघ पथ पर बढ़ चले, संघ की यह साधना है हिंदू हिंदू एक हो, परस्पर सद्भाव उर में एक मन सह चित्त हो, संघ खेले मन विमल हो, हो सुसंस्कारित चले, राष्ट्रहित का ध्येय उरले विजय पथ पर बढ़ चले,
संघ पथ पर बढ़ चले, संघ पथ पर बढ़ चले, भारती माता हमारी सब इसी के पुत्र हैं। भारती विकसित बनाने हे तुमन में चित्र है, मन बसा यह चित्र सब साकार करने मिल चले। राष्ट्रहित का ध्येय उरले, विजय पथ पर बढ़ चले, संघ पथ पर बढ़ चले, संघ पथ पर बढ़ चले। वाणी का संयम संजोए, परस्पर विश्वास से सामरसता भाव उरले, आपसी सहकार से ध्येय पथ की साधना की पूर्ति है तू सब चले। राष्ट्रहित का ध्येय उरले, विजय पथ पर बढ़ चले, संघ पथ पर बढ़ चले, संघ पथ पर बढ़ चले। शील शक्ति प्रेम का हम भाव धारण कर चले। राष्ट्रहित का ध्येय उरले, विजय पथ पर बढ़ चले, संघ पथ पर बढ़ चले, संघ पथ पर बढ़ चले, संघ पथ पर बढ़ चले। माननीय प्रांत संघचालक जी, माननीय महानगर संघचालक जी, माननीय महानगर सहसंघचालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारी गण, मेरे सामने विराजित अथवा अंतरताने पर उपस्थित सभी विशेष निमंत्रित माता भगिनी नागरिक सज्जन एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधुगण, एक वर्ष के विराम के पश्चात फिर से हम खुले मैदान में भले ही कम संख्या में एकत्र उपस्थित है, परंतु पूरी संख्या में अन्य अन्य केंद्रों पर उपस्थित है। और यह वर्ष अपनी स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है। 15 अगस्त 1947 में को हम स्वतंत्र हुए। स्वाधीन हो गए। स्वतंत्र बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ उस स्वाधीनता के कारण हम कर पाए, यानी अपने देश को चलाने के सूत्र हमने अपने हाथ में उस दिन लिए। अब चलाते चलाते अपने देश को स्व के आधार पर एक तंत्र पर खड़ा करने की प्रक्रिया वो चल रही है।
क्योंकि स्वतंत्रता क्यों चाहिए इसके बारे में भी अपने देश में संघर्ष हुआ स्वतंत्रता के लिए। संपूर्ण भारत में समाज के सभी वर्गों से, देश के सभी क्षेत्रों से लोगों ने परिश्रम किए, संघर्ष किए, बलिदान दिए, त्याग और बलिदान के हिमालय खड़े किए। स्वतंत्रता और परतंत्रता इसके बारे में सबकी कल्पनाएं समान सी थी, यानी 1857 के पहले 1830-30 के दशक में दक्षिण भारत में वीर पांड्य कट्टे बोमन के नेतृत्व में जो हुआ संघर्ष ब्रिटिशों के साथ, उसकी घोषणा करते समय एक पढ़ा गया, उसको कुंडरा नाम के ग्राम में पढ़ा गया, इसलिए उसको कुंडरा डिक्लेरेशन कहते हैं। उसमें यह कहा गया कि ये जो विदेशी बाहर से आए हैं, इनका रंग सफेद है, इसलिए पूजा में कपूर और भोजन में नमक महंगा हो जाएगा अगर हमने इनको यहां राज्य करने दिया तो। और बहुत बाद में महात्मा गांधी जी ने और एक सत्याग्रह की शुरुआत मुट्ठी भर नमक उठाते हुए की, कहते हैं कि उसके कारण अंग्रेजों के विशाल साम्राज्य की बुनियाद की मिट्टी खसकी। तो इस प्रकार कुछ समान भाव, समान से भाव सबके मन में थे, आपस में संपर्क नहीं था तो भी, और इसलिए ऐसी कई बातें समान सी पाई जाती है उस संघर्ष में। ऐसा एक संघर्ष हुआ और उसके फलस्वरूप हम 15 अगस्त को स्वतंत्र हुए, परंतु कालांतर में स्व की कल्पना ढीली पड़ी, अस्पष्ट हुई। उसके कारण स्वतंत्र होना है यानी क्या होना है, अपना स्व क्या है ये पता नहीं। स्व का विस्मरण तो बहुत दिनों से चल रहा था और इसलिए स्व को भूल गए तो स्वजनों को भी भूल गए और अपने आपस में ही भेद इतने बड़े हो गए, उससे हम जर्जर हो गए, एक दूसरे को बराबरी से देखने के लिए तैयार नहीं, आपस में संघर्ष, पंथ प्रांत जाति भाषा सब प्रकार के भेद, जो विविधता थी उसकी चौड़ी खाइयां बन गई हमको बांटने वाली, और इसमें स्व का भी विस्मरण ठीक से स्मरण नहीं रहा, विस्मरण हो गया। और इसलिए जो चुनौतियां उस समय की थी उसके सामने एक स्पष्ट नीति लेकर हम खड़े नहीं हुए, कभी इधर कभी उधर ऐसी ढुलमुल बात चली। इसका लाभ विदेशियों ने लिया और जिस दिन हम स्वतंत्र हुए उस दिन स्वतंत्रता के आनंद के साथ साथ एक अत्यंत दुर्धर वेदना भी हमने अपने मन में अनुभव की, वो टीस अभी तक गई नहीं है, अपने देश का विभाजन हुआ, अत्यंत दुखद इतिहास है वो, परंतु उस इतिहास के सत्य का सामना करना चाहिए, उसको जानना चाहिए। जिस शत्रुता और अलगाव के कारण विभाजन हुआ उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है, उसकी पुनरावृत्ति टालने के लिए और खोई हुई हमारी अखंडता और एकात्मता को वापस लाने के लिए उस इतिहास को सबने जानना चाहिए, विशेषकर नई पीढ़ी ने जानना चाहिए, क्योंकि अब जो पीढ़ी है वो उसके बाद उसने जन्म लिया है, उसको जानना चाहिए ताकि उसकी पुनरावृत्ति न हो, खोया हुआ वापस आ सके, खोए हुए बिछुड़े हुए वापस गले लगा सके। परंतु इस प्रकार की एकात्मता और अखंडता कि पहली शर्त रहती है भेद रहित समताधिष्ठित समाज। पहले हमने अपने स्व को भुला दिया, स्वजनों को भुला दिया,
तो भेद जर्जर हो गए, इसलिए हजारों मील दूरी से मुट्ठी भर लोग आए, हमसे बरबर लोग आए और हमको पादाक्रांत करते चले गए। ये बार बार हुआ, एक बार नहीं हुआ। पूर्ण शक बरबर यवन आपने सुना है, तब से लेकर तो ब्रिटिशों के अपने यहां पर राजा बनने तक यही इतिहास हुआ। और इसलिए मूल जो अपना स्व है उसके आधार पर अपने स्वजन, उनके प्रति आत्मीयता पूर्ण व्यवहार ये होना चाहिए, क्योंकि अपने देश में उस स्व के विस्मरण के कारण, अपनों के विस्मरण के कारण जातिगत विषमता की समस्या बहुत पुरानी है। बहुत लोगों ने उस विषमता को हटाने के लिए प्रयास किया। विषमता मूलक जो व्यवस्थाएं थी उनको निकाल दिया, समताधिष्ठित व्यवस्था लाने का प्रयास किया, लेकिन व्यवस्था तो व्यवस्था है, वो एक ढांचा है। आखिर चलाने वाला उसका उपयोग क्या करता है उस पर निर्भर है। चलाने वाले के मन में अगर समता है तो व्यवस्था समता की पोषक होती है। व्यवस्था तो बदलेगी ही, विषमता मूलक व्यवस्था टिक नहीं सकती, अप्राकृतिक है और इसलिए वो जाएगी ही। ठीक से जाए इसको देखना, इतना ही काम रहता है। लेकिन व्यवस्था बदलने के साथ साथ या उसके पहले मन बदलना चाहिए। भेद की भावना मन में रहती है, मन से वचन कर्म और वाणी में प्रकट होती है और विचार में प्रकट होती है, व्यवस्था में प्रकट होती है। और इसलिए उस व्यवस्था के साथ साथ इस मन को बदलने का प्रयास होना चाहिए। संघ के स्वयंसेवक सब प्रकार के प्रयास करते हैं। बुद्धि से वाणी निकलती है, विचार से आदमी बोलता है, तो उस विचार में समाज के भेद बढ़ाने वाली भाषा नहीं चाहिए, समाज को जोड़ने वाली भाषा चाहिए। उतार चढ़ाव आते रहते, उल्टे सीधे प्रसंग होते रहते हैं। हर प्रसंग पर भाष्य करते समय, लोगों को राह दिखाते समय, उनको आपस में जुड़ने की, प्रेम को बढ़ाने की भाषा होनी चाहिए। संवाद सकारात्मक हो, इसलिए सामाजिक समरसता मंच के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से संघ के स्वयंसेवक ये काम कर रहे। व्यवस्थागत व्यवहार भी बदले, इसलिए मंदिर, पानी, स्मशान सबका एक हो, यहां से प्रारंभ हो, इसका प्रयास भी अनेक वर्षों से स्वयंसेवक कर रहे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, सब प्रांतों में प्रयास चल रहा है। परंतु मन से जाने के लिए तो मिलना पड़ेगा, बातचीत होनी पड़ेगी, अनौपचारिक बातचीत होनी पड़ेगी। और इसलिए पर्व त्योहारों में आपस का मेलजोल, मिलजुल कर जयंतियां, पुण्यतिथियां, विशेष उत्सव, इनको करना। जैसे समाज मिलता जुलता है वैसे परिवार भी समाज के विभिन्न वर्गों के आपस में मित्रता करे। आना जाना, उठना बैठना, पर्व त्योहारों पर एक दूसरे के घर जाना, परिवार सहित घर पर बुलाना, इस प्रकार के अनौपचारिक पारिवारिक संबंध उत्पन्न हो। ये काम संघ की शाखाओं के माध्यम से और सामाजिक समरसता मंच नामक गतिविधि से संघ स्वयंसेवक कर रहे हैं, क्योंकि भेद रहित समताधिष्ठित समाज स्वातंत्र्य के टिकने की गारंटी है और राष्ट्र के एकात्मता का अधिष्ठान है। भारत की अखंडता और एकात्मता की ये जो श्रद्धा है वो कोई नई बात नहीं है, भारत में चलती आई हुई बात है, सनातन काल से चलती आई है। उसके लिए लोग काम भी करते आए हैं। हमारे इतिहास में प्राचीन समय से लेकर अब तक बहुत उदाहरण है, बहुत पर्व ऐसे हैं जिससे बार बार इस एकात्मता का और अधिष्ठान मजबूत बनाया गया है। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 400 सालावा प्रकाश वर्ष है।
उनका बलिदान क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था कि ये जो भारतवर्ष की चलती आई हुई एकात्मता की, प्रेम की, अखंडता की परंपरा है, उसका आधार तो यही है कि हम सब विविधताओं को स्वीकार करते, पूजा की भी विविधताओं को स्वीकार करते। और उस समय देश में ये अत्याचार चल रहा था कि अपनी पूजा बदलो नहीं तो मरो। तो कश्मीर से लोग गुरु जी के पास आए, हाथ जोड़कर सुरक्षा के लिए विनंती की। तेग बहादुर जी चले गए दिल्ली बादशाह के सामने और अपनी धर्म श्रद्धा का परिचय देते हुए उनका बलिदान हुआ, उन्होंने अपना सिर दे दिया। परंतु भारतवर्ष में इस प्रकार की पूजा की स्वतंत्रता बनी रहेगी, सबकी पूजा स्वीकार होगी, कोई एक दूसरे की पूजा पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। यह जो अपने भारतवर्ष के संस्कृति का सार है उसको उन्होंने दिया नहीं, सिर दिया, सार नहीं दिया, इसलिए हिंद की चादर कहलाए। भारतवर्ष की स्वतंत्रता, भारतवर्ष की एकात्मता, अखंडता के लिए बलिदानों, मिनी वीरों की सनातन काल से जो आकाश गंगा यहां चली आ रही है, उस आकाश गंगा के वे सूर्य से थे। वह कल्पना हमारी समान सी है और प्राचीन काल से चलती आई है। स्वतंत्र जीवन कैसा होता है, स्वतंत्रता क्या है, सबके सुख की कल्पना है। मंत्र पुष्प में हम कहते हैं अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः, अधनाः सधनाः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वत्र का भला, ऐसा कहते हैं। सबके सुख की कल्पना, किसी को नहीं छोड़ा, वसुधैव कुटुंबकम मानकर सब जिसमें सुखी हो, और सबको एक साथ सुखी करने वाला, मनुष्य मात्र के तीनों पुरुषार्थ एक साथ साधने वाला, मनुष्य समूह सृष्टि को एक साथ सुखी कर सकने वाला, अर्थ कामों को नियंत्रण में रखकर मोक्ष की तरफ चलाने वाला, यह जो धर्म है उस धर्म का आविर्भाव अपने यहां हुआ। वो अध्यात्म आधारित है, अनुभूति आधारित है। हमारे स्वतंत्रता की वह आध्यात्मिक कल्पना है, और इसलिए हम जानते हैं पसायदान में उस स्वतंत्र सुखी जीवन की कल्पना ज्ञानेश्वर महाराज ने की है। जे खड़ांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाड़ो, भूता परस्परे पड़ो मैत्र जीवान से, दुरितान से तिमिर दावो विश्व स्वधर्म सूर्य पाओ, जो जे वांछील तोते लाहो प्राणी जातव। फिर से सबके सुख की कल्पना है, सबके कामना पूर्ति की कल्पना है, परंतु आधार क्या है? दुष्टों के बारे में भी ये कहा, उनका टेढ़ा बन जाए, उनकी अच्छे कामों में रुचि बढ़े, प्राणी मात्र में परस्पर सौहार्द प्रेम आत्मीयता का संबंध हो, सबके संकट दूर हो, सब अपने अपने स्वधर्म को अनुभूत करके चले, स्वधर्म पर चले, तब सबकी इच्छाएं पूरी होगी। प्राणी जात सुखी होंगे, जिनमें प्राण है वो सब सुखी होंगे, सुख दुख का अनुभव कर सकने वाले सब सुखी होंगे। रविन्द्रनाथ टागोर ने बाद में कहा, कोई अलग बात नहीं की, चित्त जथा भय शून्य उच्च जथा शिर, जहां चित्त भय से शून्य हो, जहां हम गर्व से माथा ऊंचा करके चल सके, जहां ज्ञान मुक्त हो, जहां दिन रात विशाल वसुधा के खंडों में विभाजित कर छोटे और छोटे आंगन न बनाए जाते हों, संपूर्ण मानवता की एकता की कल्पना, जहां हर वाक्य हृदय की गहराई से निकलता हो, सत्य पर चलने की कल्पना, हर दिशा में कर्म के अजस्त्र नदी के स्रोत फूटते हो और निरंतर अबाधित बहते हो, निरंतर कर्मशीलता, आदि आदि जो पूरी कविता उनकी है, वो हमारे स्वतंत्र जीवन की कल्पना देती है। और उसके पीछे जो स्व है, उसका आधार आध्यात्म है, स्पष्ट करती है। और इसलिए योगी अरविंद
जिनकी 150वीं जयंती है, उन्होंने भी यही बात कही है। हमारे स्व का अधिष्ठान स्पष्ट किया है, हमारे राष्ट्रीयता की कल्पना को उच्च रव से कहा है। गांधी जी इसी आधार पर बोलते थे, उनको सबूत की आवश्यकता पड़ी तो धर्मपाल जी ने सबूत जुटाए और आजीवन तपस्या की, उसके आधार पर उन्होंने भारतवर्ष के ब्रिटिश का प्रभाव होने के पहले के जीवन का जो चित्र सबूतों सहित किया है, प्रमाणित है, वो चित्र भी उनकी भी शताब्दी है, जन्म शताब्दी, वो चित्र भी इसी बात की पुष्टि करता है। हमारी इस स्व की कल्पना का आधार अध्यात्म आधारित परस्पर व्यवहार था, संतुलित व्यवहार था, आत्मीय व्यवहार था, उसको हम धर्म कहते हैं और उस धर्म के उदय से सब सुखी होते हैं। सावरकर जी ने कहा कि जब ऐसा हिंदू समाज खड़ा होगा संगठित, तो वो गीता की ही बात करेगा और अपने उद्देश्य को वसुधैव कुटुंबकम यही बताएगा, क्योंकि हम किसी को पराया मान ही नहीं सकते। ऐसा हमारा जो आध्यात्मिक राष्ट्रीयता का स्व है, वो उदय होने से दुनिया के सारे झगड़े समाप्त होंगे, खोया हुआ संतुलन वापस आएगा और ऐसा मानव धर्म उदित होगा, हिंदू धर्म उदित होगा, तो फिर परिणाम ये भी होगा कि मनुष्यों के कलहों पर जिनके दुकान चलते हैं और उनके खोए हुए संतुलन पर जो अपना उल्लू सीधा करते हैं, उनके दुकान बंद हो जाएंगे। और इसलिए हम देखते हैं कि ये न हो, भारत एक विकास के राह पर, बड़ा बनने की राह पर चल पड़ा है, ये हो न पाए, हिंदू समाज अपने स्व को समझ न पाए और वैसे ही कटा बटा रहे, इसलिए बहुत प्रयास चल रहे। जो जो भारत का है उसकी निंदा करना, जो जो भारत की है उसकी निंदा करना, भारत के जीवन की, भारत के धर्म की, भारत की परंपरा की, इतिहास की, वर्तमान की, व्यवस्थाओं की, सबकी निंदा करना, भारतीयों के हृदय में स्वयं के बारे में ही अश्रद्धा उत्पन्न करना, ऐसे प्रयास चलते हैं। इतने प्राचीन जीवन से दुनिया देख रही है कि उस जीवन में इतने लंबे समय से चलते हुए मूल्य है, मनुष्य जीवन को स्थिरता देके सुख देते हैं, टूटन से बचाते हैं, अधपतन से बचाते हैं, ऐसे मूल्यों से युक्त हमारा जीवन है, उन मूल्यों पर हमला होता है, बोल के भी होता है, निंदा करके भी होता है और विभिन्न माध्यमों से बहुत सूक्ष्म रीति से भी होता है। ऐसा स्थूल और सूक्ष्म एक सांस्कृतिक आक्रमण भी लगातार चल रहा है, इस भय से कि अगर ये सारी बातें भारत में ठीक हो गई तो हम नहीं चल पाएंगे, और गठबंधन भी ऐसे लोगों ने बना लिया है, सम्मिलित प्रयास करते हैं। और भारत में हम देखते हैं कि इसको पहचान कर इसके उपाय में चलना चाहिए, समाज को ठीक दिशा में चलाने के प्रयास करने चाहिए, सब ऐसा नहीं करते। विशेषकर इसके व्यवस्था को चलाने का भारत के जो दायित्वधारी लोग हैं, राज्यों में है, केंद्र में है, सब लोग हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा व्यवहार दिखता है, यानी एक भारत का ही राज्य है, दूसरा भी भारत का ही राज्य है, उसकी पुलिस आपस में युद्ध करती है, गोलियों से लोग मारे जाते हैं, हम एक देश के वासी हैं कि क्या है? अपनी राजनीतिक स्पर्धा के चलते और सरकारों का विरोध खड़ा होता है, पार्टियों का है चलता है, लेकिन सरकारी व्यवस्था के अंदर व्यवस्था तो एक है, संविधान के तहत बनी है, संविधान के तहत हम फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन संविधान के तहत ही वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम एक देश के लोग हैं, हमारा एक देश है, व्यवस्थाएं हमने फेडरल बनाई है, लोग फेडरल नहीं है, संपूर्ण जन एक राष्ट्र है, लेकिन ऐसा पोषक व्यवहार सत्ता में बैठे लोगों का भी होता हुआ नहीं दिखता।
तो समाज को कहां से उद्बोधन मिलेगा, कहां से पथ प्रदर्शक पाथरिया मिलेगा? अपने राजनीतिक उल्लुओं को सीधा करने के लिए ऐसे छल कपट चलते हैं, उसमें समाज के मन का क्या होता है? समाज में जो भेद है उनको मिटाया जाता है कि उनको और चौड़ा किया जाता है, इसकी परवाह न करते हुए होता है। अब समाज को ही बचना पड़ेगा इन बातों को पहचानते हुए, क्योंकि ये षड्यंत्र चलते हैं असंतोष उत्पन्न करना, निमित्त तो मिलते ही है। इतने बड़े समाज में, इतने लंबे चौड़े देश में छोटा भी निमित्त है उसको प्रचार के साधनों के आधार पर बहुत बड़ा करके बताना, असंतोष उत्पन्न करना, आपस में विरोध उत्पन्न करना, जाति से जाति को लड़ाना, प्रदेश से प्रदेश को, भाषा से भाषा को लड़ाना, कलह उत्पन्न करना और आतंक का वातावरण उत्पन्न करते हुए इसको शमन करना चाहने वाले शक्तियों को दबाने का प्रयास करना, और एक तरह से देश में अराजकता उत्पन्न हो ऐसा प्रयास करना, ये भी प्रयास चल रहे हैं। और तकनीकी के आधार पर नई नई बातें जो आ रही वो और आग में घी डालने का काम कर रही, नियंत्रण नहीं है उसका। OTT प्लेटफॉर्म्स है, उस पर कैसे कैसे चित्र आते हैं, क्या क्या आता है। अभी तो कोरोना में बालकों के हाथ में भी मोबाइल आ गया और ऑनलाइन तो देख ही रहे, और क्या देखते क्या नहीं इसका कोई नियंत्रण नहीं, और OTT प्लेटफॉर्म पर क्या दिखाना इसका भी कोई नियंत्रण नहीं। देश में तरह तरह के नशीले पदार्थ आते, उनकी आदतें बढ़ रही है, वो कैसे रोकी जाए, कैसा हो पता नहीं। उच्च वर्ग से लेकर तो बिल्कुल आखिरी आदमी तक समाज के जितने भी स्तर है सब में भयंकर व्यसन, और उस व्यापार से जाने वाला आने वाला पैसा किसके हाथ में जाता है हम सबको पता है, देश विरोधी कार्यों में उसका उपयोग होता है, सीमा पार के देश उसको प्रोत्साहन करते हैं। ऐसी सारी बातें चल रही है और अनियंत्रित बातें भी बढ़ रही है। बिटकॉइन जैसी करेंसी है, किस राष्ट्र का किस नियम का उस पर नियंत्रण है मुझे नहीं पता। एक स्पर्धा खड़ी हो रही है, इन सब बातों को नियंत्रित करना, समाज के हित में चलाना, ड्रग्स जैसे व्यसनों का पूर्ण निराश हो इसका प्रयास करना, ये शासन को करना चाहिए, करना पड़ेगा। परंतु शासन तो अपना काम आज नहीं कल करेगा, करने का प्रयास कर भी रहा है, वो यशस्वी आज न कल होगा, परंतु तब तक के लिए इसका बचने का क्या, और बाद में भी बचने की क्या बात है, कैसे होगा। तो अपने यहां पर एक वाक्य सर्वत्र लिखा मिलता है, मन का ब्रेक उत्तम ब्रेक। समाज का मन तयार होना चाहिए, नई पीढ़ी का मन तैयार होना चाहिए, बालकों का शिशुओं का मन घर में तैयार होता है। नवतरुण होने के बाद जब दुनिया में जाता है और वो दुनिया के आगे खड़ा होता है तो उस व्यक्ति को क्या लेना क्या नहीं लेना, क्या ठीक है क्या गलत है, इसका विवेक जो मिलता है वो घर से तैयार होके मिलता है, माता पिता के आचरण के उदाहरण से मिलता है, घर में जो अपनी कुलरीतियां पद्धतियां चलती है उसके संस्कारों से मिलता है। उनको ठीक करने से बहुत सारी बात बिना शासन के भी हम कर पाएंगे, और इसलिए कुटुंब प्रबोधन की गतिविधि हमारे स्वयंसेवक चलाते हैं। सप्ताह में एक बार कुटुंब के लोग बैठते और आपस में संवाद करते, मुक्त चर्चा करते, स्वभाषा स्वभूषा, अपना भजन भवन भ्रमण भोजन किस प्रकार से चलता है, कम से कम अपने घर की चौखट के अंदर हम लोग अपने स्व के आधार पर आचरण करते कि नहीं, घर में अपनी भाषा बोलते कि नहीं, कागजों पर अपना हस्ताक्षर करते हैं तो अपनी मातृभाषा में करते हैं कि नहीं, करना चाहिए। जहां टाल सकते विदेशी भाषा को टालो, जहां उसका उपयोग है और जहां अनिवार्य है वहां तो करना ही पड़ेगा, करेंगे भी, हमको किसी भाषा से थोड़ी बैर है।
परंतु स्वभाषा स्वभूषा अपना भजन अपना भोजन इसका एक महत्व है। स्व का ज्ञान परंपरागत रीति से पीढ़ी दर पीढ़ी बनता रहे इसलिए उस आचरण के बारे में चर्चा। और मैं अपने लिए रोज कुछ करता हूँ, परिवार के लिए रोज करता हूँ, समय देता हूँ, पैसा देता हूँ, देश समाज के लिए रोज क्या करता हूँ, कितना खर्चा रोज करता हूँ, इसका विचार होके ऐसे छोटे छोटे संकल्प लेना और उसके आधार पर परिवार में सब लोगों का मन बनना चाहिए, नई पीढ़ी का भी बनना चाहिए, तो इस प्रकार के विपरीत वातावरण में भी उनकी प्रतिकार शक्ति जागृत रहने से, विवेक शक्ति जागृत रहने से वो उचित का ही चयन करेंगे। स्वाभाविकता तो उनका झुकाव अच्छे की तरफ ही है, केवल उसके लिए पोषक उनके मन बुद्धि के संस्कारों को बनाना चाहिए, उसके लिए यह गतिविधि चलती है। हमारे स्वयंसेवक भी और अन्य अनेक लोग भी ये काम कर रहे हैं। अभी इस प्रकार के हमारे प्रयास चलेंगे। बीच में कोरोना आ गया, कोरोना के पहले लहर का हमने बहुत अच्छा सामना किया, दूसरी लहर ने बहुत ज्यादा नुकसान किया। हम सब समाज में एक दुख का अनुभव कर रहे हैं। नई पीढ़ी के कई होनहार लोग, सक्रिय लोग इस कोरोना ने उठा लिए, हमने से असमय उठा लिए, उसका बहुत दुख है, उनके प्रति श्रद्धांजलि है। लेकिन वो होने के बाद भी तुरंत सावधान होकर पूरे समाज ने अपनी जान को हथेली पर लेकर दूसरे लहर का भी सामना किया, यशस्वी प्रतिकार किया। और अब तीसरे लहर की आशंका है तो भी अपना देश कोरोना के प्रतिकार में दुनिया में सबसे आगे है, ये परिस्थिति है। ऐसे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन भी है, सारा देश अभिनंदन कर रहा है, हम भी उसमें सहभागी। तीसरे लहर की आशंका है, अब दिन ब दिन और मध्यम पड़ते जा रही है, लगता है कि नहीं आएगी, अथवा आएगी तो बिल्कुल परिणामकारक नहीं होगी। लेकिन किसी अनुमान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, तैयारी पूरी होनी चाहिए। गांव स्तर तक हर गांव में 5-7 कोरोना योद्धाओं की टोली तैयार रहे, इसलिए संघ ने देश भर में प्रशिक्षण का कार्यक्रम लगभग पूरा कर लिया है और उसके आधार पर इस कोरोना से लड़ाई होगी, ठीक से होगी। आएगा नहीं ऐसी आशा करते हैं, लेकिन आएगा तो क्या करना, उसकी पूरी तैयारी है और हम इस कोरोना को मात देंगे। उसके नुकसान हुए हैं, 2 साल चला तो आर्थिक क्षेत्र में नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, परंतु हमारा समाज उससे दबा नहीं है। आर्थिक क्षेत्र में भी उस नुकसान को पूरा करने का आत्मविश्वास दिखता है, लोग बोलते हैं। और किसी किसी आर्थिक अर्थायाम के क्षेत्र में तो सब पूर्ववत हो गया और आगे बढ़ गया, ऐसा भी वृत्त आता है। स्व के बारे में अपने समाज की प्रवृत्ति निश्चित रूप से बढ़ी है। अभी राम मंदिर का धन संग्रह हमने किया गांव गांव जाके, तो वहां भी यही अनुभव आया। उत्स्फूर्त रूप से समाज के सभी जाति वर्गों का, सभी भौगोलिक क्षेत्रों से उत्तम सहयोग मिला, और एक ही भावना के कारण कि कुछ हमारा हमने वापस लाया है उसको खड़ा कर रहे हैं। सब लोग राम की पूजा करने वाले लोग नहीं थे, परंतु सबका योगदान है, सबका उत्साह है, और वो स्व प्रकट भी हो रहा है, वो उत्साह प्रकट भी, उस आत्मविश्वास का परिणाम भी दिख रहा है। अभी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में कितने मेडल, ओलंपिक में 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, यानी स्वर्ण रौप्य और कांस्य, और पैरा ओलंपिक में 5 स्वर्ण 8 रौप्य और 6 कांस्य पदक हमारे खिलाड़ियों ने प्राप्त किए। उत्साह कहां से आया, बहुत परिस्थितियां उनकी बदली है ऐसा नहीं है,
परंतु देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रवृत्ति बनी है और इसलिए यह कोरोना की आपत्ति हमारे लिए स्व का चिंतन करने का एक अवसर भी बनी है। हमने अनुभव किया अपने स्व पर आधारित कई बातें कितनी उपयोगी है। उदाहरणार्थ अपने स्वास्थ्य का विषय है, स्वास्थ्य मनुष्य की ऐसी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर लेगा। बीमार है तो उपचार के लिए घर भी बेच देगा, लेकिन अच्छे उपचार और विश्वस्त उपचार जिससे निश्चित ही रहेगी मुक्त रोग मुक्त होने की, ऐसे उपचार लेने के लिए कुछ भी करता है। तो हमने देखा कि देश में सबकी इच्छा है चिकित्सा सबको सुलभ रहे, सबके पास पहुंच सके और चिकित्सा महंगी न हो, सब आयु वर्ग के लोग उसका लाभ ले सके। वो सस्ती और सुलभ चिकित्सा पानी है तो स्व के आधार पर क्या विचार करेंगे। पहली बात है कि हमारी परंपरा में केवल इलनेस का, बीमारी का विचार नहीं किया, हमने वेलनेस का भी विचार पहले से किया है। आयुर्वेद में एक पूरा प्रकरण स्वास्थ्य वृत्त है, बीमार नहीं कैसे पड़ना, उसमें जैसे स्वच्छता का महत्व है उस पर तो कई वर्षों से हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। लोक स्वास्थ्य का, पब्लिक हेल्थ का विषय है, उस पर भी हमको बहुत तरीके से आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें शासन को भी बहुत कुछ करना पड़ता है, समाज को भी बहुत कुछ करना पड़ता है। अपने घर की और स्वयं की स्वच्छता तो हम देख लेंगे, अपने मोहल्ले की स्वच्छता पर भी ध्यान देना पड़ेगा, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बरतने की आदत लगानी पड़ेगी। स्वच्छता के लिए नंबर मिलते हैं आजकल शहरों को, अच्छी बात है, लेकिन दिखने वाली स्वच्छता और जहां नहीं कोई देखता वहां स्वच्छता नहीं, ऐसे लोक स्वास्थ्य में नहीं चलता। बीमारी हवा से भी आती है और इसलिए लोक स्वास्थ्य के नियमों का ध्यान रखना और जीवन शैली मुख्यतः ठीक करना। प्राकृतिक जीवन शैली चाहिए, जितनी प्रकृति के पास रहेगी उतना हम स्वस्थ रहेंगे। पर्यावरण के साथ मेल खाने वाली जीवन चाहिए। हम बेतहाशा रासायनिक खेती का प्रयोग करेंगे तो कैंसर तो बढ़ेगा ही। हम अगर हर जगह प्लास्टिक से प्रदूषण लाएंगे तो हम जिस सांस से हवा भरते हैं वो सांस अपनी विषैली हो जाएगी। और इसलिए हमारे यहां पानी का उपयोग ठीक से करना, नाप तोल कर करना, पानी सबके लिए आवश्यक है, लेकिन अगर हम पानी को अमर्यादित खर्चा करने लगे तो सबको पानी नहीं मिलेगा और सब सुखी होंगे तभी हम सुखी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए, कम से कम जिसको अंग्रेजी में सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं उसको तो आप जीवन से हटाने की बारी आ गई। और जहां बनता है घर से लेकर आंगन से लेकर मोहल्ले गांव जंगलों खेतों तक हरियाली बढ़ाना, वृक्षारोपण करना, ये करने की आवश्यकता है। उसके लिए पर्यावरण गतिविधि चलाते हैं स्वयंसेवक, पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत लोग काम करते हैं, जल संधारण से लेकर सारी बातों में पर्यावरण गतिविधि। प्रत्येक परिवार में पानी बचाना, प्लास्टिक हटाना और हरियाली बढ़ाना, इन तीन का छोटी छोटी बातों से लेकर सब में आचरण उत्पन्न हो, इसके लिए प्रयास करें। क्योंकि ये ऐसी जो पर्यावरण की शैली है वो स्वास्थ्य को भी ठीक करती है और खर्चा भी बचाती है। कोरोना काल में जितने विवाह हुए कितने सस्ते में हुए, हमारे ध्यान में कई बातें आ गई कि हम जो खर्चा करते हैं वो कितना खर्चा फालतू होता है, इससे कम में हम जी सकते हैं, जो मिलता है उसमें अपने घर गृहस्थी को रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा अतिथि सत्कार ऐसी न्यूनतम आवश्यकताओं को ठीक से पूर्ण कर सकते हैं। अब कोरोना जाएगा, जाने को है,
अपनी सुधरी हुई आदत को फिर से नहीं बिगाड़ना, इसका हमको ध्यान देना पड़ेगा। और इसलिए पर्यावरण के साथ स्वास्थ्य को साधते हुए हमको ये भी प्रयास करना पड़ेगा कि सब प्रकार की पैथियों को मान्यता देते हुए, अपने अपने पैथी का अहंकार, अभिमान तो रहना चाहिए, गौरव तो रहना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। कुछ बीमारियों को कुछ पैथी में इलाज है, किसी में नहीं है। हर एक चिकित्सा पद्धति का अपना अपना तत्वज्ञान है। मतभेद हो सकते हैं लेकिन विरोध नहीं होना चाहिए। सभी चिकित्सा पद्धतियों का समन्वय करते हुए सबको सुलभ हो सके ऐसी चिकित्सा हम दे सकते, क्योंकि कुछ पद्धतियों में इलाज महंगे हो जाते, उसका इलाज नहीं। कुछ पद्धतियों में वही इलाज बहुत सस्ता हो जाता है उसी बीमारी का, और गुण भी मिलता है। तो इसलिए सभी पद्धतियों का समन्वय करते हुए कैसे आगे बढ़ेंगे, और सबको एकदम बहुत गंभीर चिकित्साओं का सामना नहीं करना पड़ता। छोटी मोटी रोज की बीमारियां होती है तो प्राथमिक चिकित्सा अपने गांव में ही उपलब्ध रहे, उसमें डॉक्टर वैद्य भी हो, और अंग्रेजी में कहते हैं बेयरफुट डॉक्टर्स, आरोग्य रक्षक, ऐसी भी कोई व्यवस्था बने। थोड़ी अधिक चिकित्सा करनी है तो जिला केंद्र पर सबके लिए उपलब्ध रहे, और बहुत उच्च स्तरीय बहुत गंभीर चिकित्सा अगर आवश्यक है तो एक एक विभाग केंद्र पर, कमिश्नरी के केंद्र पर, या बड़े कस्बों में उसकी व्यवस्था उपलब्ध रहे। इस प्रकार का एक तंत्र खड़ा करना पड़ेगा। ऐसा समग्र स्व के आधार पर सोचते हैं तो सबको सुलभ और सस्ती चिकित्सा का प्रबंध अपने देश में हो सकता है। वही बात आर्थिक मामलों की है। हम जानते हैं विश्व में जो प्रचलित अर्थव्यवस्था है उसके कारण कई समस्याएं भी खड़ी है, और समस्याओं का उत्तर उस व्यवस्था के पास नहीं। सभी देशों में उसका पुनर्विचार चल रहा है। बहुत उत्साह से जिन बातों की उद्घोषणा आर्थिक जगत पहले करता था, आज उसने वो करना बंद कर दिया है, अंतर्मुख होके विचार कर रहा है तीसरा रास्ता कौन सा है। तीसरा रास्ता हम दे सकते हैं। हमारे परंपरागत आर्थिक चिंतन की जो दृष्टि है वो पूर्ण है, अधूरी नहीं है। हमने उस स्व के आधार पर ही चिंतन किया है। एक शाश्वत सत्य हम पहले बताते हैं कि भाई अर्थशास्त्र क्यों है, मनुष्य की कामना पूर्ति के लिए साधन उपलब्ध कराने का शास्त्र, ऐसा वो मानते हैं। हमारे यहां थोड़ा आगे गए, हमने कहा कि सुख प्राप्ति का वो है, और एक का सुख हो नहीं सकता, सबका सुख चाहिए, इसलिए जितनी प्रजा है उसके सुख का वो शास्त्र है। जिन्होंने जन्म लिया है वो सब सुख को प्राप्त हो तो सभी सुखी होंगे। और ये सुख कहां मिलता है, सुख बाहर नहीं है, सुख अंदर है, और इसलिए अंदर के सुख को प्राप्त करेंगे तो बाहर की वस्तुओं से हम पर्याप्त सुख ले सकते हैं, अपने अंदर ही है वो, लेकिन उसके लिए बाहर की वस्तुएं पर्याप्त हो सकती है। नहीं तो सिद्धांत, तो प्रचलित सिद्धांत कहता है मीन्स आर लिमिटेड, एंड्स आर एंडलेस। हमारे यहां इस सत्य को मान्य करके कहा है कि ऐसी अवस्था में अगर उपभोग करना है तो संयम आवश्यक है, क्योंकि सुख उसमें नहीं है, वस्तु में, सुख हमारे अंदर है, तो बांटकर खाओ। उस सुख के पीछे बहते मत जाओ, सुख पर तुम्हारा नियंत्रण चाहिए। और इसलिए संयम पूर्ण उपभोग, न्यूनतम आवश्यक जितना है उतना उपभोग, क्योंकि ये सब हमारा नहीं, मेरी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, इस पर मालकियत किसकी है, किसी की नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम, भगवान का बनाया है, भगवान का है, उसने उसका यथोचित उपयोग जिसके लिए रखा है वो लेगा। सबका होने के बाद बचेगा उसमें मैं अपने को चलाऊंगा। तेन त्यक्तेन भुंजित, मनुष्य प्राकृतिक और मानव निर्मित धन का स्वामी नहीं है, विश्वस्त है, उसको दो हाथों से कमाना है लेकिन उसके आधार पर सारी सृष्टि को चलाना है, हजार हाथों से बांटना है।
इस दृष्टि के आधार पर अपने यहां का आर्थिक विचार खड़ा है वो एकांतिक नहीं है। उसमें मनुष्य को सृष्टि के अंग के नाते देखा गया है, सृष्टि का मालिक नहीं, कॉन्करर नहीं, कॉन्करिंग द नेचर गलत बात है, नर्चरिंग द नेचर। सृष्टि से जितना चाहिए उतना लेना और दाम दुगना वापस करना, गिविंग बैक, इस आधार पर हमारा अर्थ विचार खड़ा है और इसलिए वो एकांगी नहीं है। वो सब जगह परिवार की कल्पना करता है, कृषि श्रेष्ठ है कि उद्योग श्रेष्ठ है कि व्यापार श्रेष्ठ है, अरे भाई तीनों अपने अपने जगह श्रेष्ठ है, तीनों को मिलकर चलना चाहिए। उद्योग चलेगा मालिक के लिए चलेगा कि मजदूर के लिए, अरे भाई मालिक मजदूर बीच में जो व्यापारी है वो और ग्राहक सबको एक परिवार मानकर सबके हित का विचार करके चलेगा, सबको अपना अपना कर्तव्य पूरा करते हुए संयम से बरतना पड़ेगा, तब सबकी कामना पूर्ण होगी। इस प्रकार के आर्थिक विचार के आधार पर आज के देशकाल परिस्थिति में क्या सुसंगत हो सकता है? हमारा प्रदीर्घ जीवन रहा है, उस प्रदीर्घ जीवन में हमने भी पुरुषार्थ किया है और ईस्वी सन एक से लेकर तो 17वीं सदी तक हम दुनिया के सर्वसमर्थ आर्थिक देश थे। विलियम डैलरिम्पल वगैरह डाटा दे रहा है। ये अगर वस्तु स्थिति है तो हमारे इतने लंबे आर्थिक अनुभव से हमने जो शाश्वत तत्व निकाले है उसके आधार पर हमको चलना पड़ेगा। जमाना बदला है, ऊपर ऊपर का परिवर्तन उतना जरूर करना पड़ेगा। विश्व भी अब 2-4 हजार साल चला है अर्थ पुरुषार्थ में, उसका भी कुछ अनुभव है, वहां से भी जो उपयुक्त है वो लेना पड़ेगा। स्वदेशी को काल सुसंगत बनाना और विदेशी को देश सुसंगत बनाना, इसके आधार पर अपने स्व पर आधारित एक नया आर्थिक प्रतिमान संपूर्ण दुनिया को देना, ये दुनिया की अभी आवश्यकता है और हम स्वातंत्र में हमारे स्व के प्रगटीकरण का एक स्वाभाविक आविष्कार है, इसकी चिंता हमको करनी पड़ेगी। और ये बात जब सोचते हैं तो एक सब लोग आजकल कहते हैं, पहले इतना नहीं कहते थे, आजकल कहते हैं, वो कहते हैं ये जनसंख्या क्या क्या करेंगे, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, तो जनसंख्या नीति तो होनी चाहिए। अपने यहां विचार हुआ है, एक परिवार में 2.1 ऐसा कहा है ना, दो बालक रहे, ऐसा विद्वानों ने मिलकर निश्चित किया, सरकार ने उसको स्वीकार किया, ये सब हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि दो बातें, सारी बातों का विचार करना, अभी हमारे देश में हमारा युवाओं का देश है, 57% युवा है, 30 साल के बाद ये सब बूढ़े बनेंगे, उनको खिलाने के लिए भी हाथ लगेंगे, कितने हाथ लगेंगे, कितने लोगों को खिला सकेंगे और उस समय जितने लोगों को खिलाना है उसके लिए काम करने वाले कितने लगेंगे, दोनों बातों का विचार करना पड़ेगा। इतना हम बढ़ेंगे तो पर्यावरण कितना झेल सकता है, हमारी माताएं उस दृष्टि से कितनी सक्षम है, उनको खुद के पैरों पर खड़ा रखने का सामर्थ्य, उनका सशक्तिकरण कितना हुआ है, वो कितनी प्रबुद्ध है, हम उनको कैसा ऐसा बना सकते, एक 50 साल आगे तक का विचार करके एक नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए। क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है, बन रही है देश में, दुनिया में हम देख रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, इसमें किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रहता है। अरे इसलिए हमने एक 2015 में ही प्रस्ताव पास किया इसके बारे में, उस प्रस्ताव को मैं पढ़ के बताता हूं। जनसंख्या वृद्धि दर में असंतुलन की चुनौती, देश में जनसंख्या नियंत्रण हेतु किए गए विविध उपायों से पिछले दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में पर्याप्त कमी आई है, लेकिन इस संबंध में अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल का मानना है कि 2011 की जनगणना के
पांथिक आधार पर किए गए विश्लेषण से विविध संप्रदायों की जनसंख्या के अनुपात में जो परिवर्तन सामने आया है उसे देखते हुए जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। विविध संप्रदायों के प्रति जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर, अनवरत विदेशी घुसपैठ व मतांतरण के कारण देश की समग्र जनसंख्या विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ रहा असंतुलन देश की एकता, अखंडता, सांस्कृतिक पहचान के लिए गंभीर संकट का कारण बन सकता है। विश्व में भारत उन अग्रणी देशों में था जिसने 1952 से ही जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की घोषणा की थी, परंतु सन 2000 में जाकर ही वह एक समग्र जनसंख्या नीति का निर्माण और जनसंख्या आयोग का गठन कर सका। इस नीति का उद्देश्य सकल प्रजनन दर की आदर्श स्थिति को 2045 तक प्राप्त कर स्थिर व स्वस्थ जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना था। ऐसी अपेक्षा थी कि अपने राष्ट्रीय संसाधनों और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रजनन दर का यह लक्ष्य समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होगा, परंतु 2005-06 का राष्ट्रीय प्रजनन एवं सार्थ सर्वेक्षण सन 2011 की गणना के 0 से 6 आयु वर्ग के पांथिक आधार पर प्राप्त आंकड़ों से असमान सकल प्रजनन दर एवं बाल जनसंख्या अनुपात का संकेत मिलता है। यह हमारा प्रस्ताव है, तो इसलिए सुझाव हमारे ऐसे और भी लिखा है, पूरा नहीं पढ़ता हूं, लिखित भाषण में उपलब्ध है। देश में उपलब्ध संसाधनों, भविष्य की आवश्यकताओं एवं जनसांख्यिकीय असंतुलन की समस्या को ध्यान में रखते हुए देश की जनसंख्या नीति का पुनर्निर्धारण कर उसे सब पर समान रूप से लागू किया जाए। सीमा पार से हो गई अवैध घुसपैठ पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जाए। राष्ट्रीय नागरिक पत्रिका का निर्माण कर इन घुसपैठियों को नागरिकता के अधिकारों से तथा भूमिगत के अधिकार से वंचित किया जाए। जो अनधिकृत प्रवेशकारी लोग हैं वो हमारे देश में बसने वाले, सदियों से बसने वाले, पीढ़ी दर पीढ़ी बसने वाले नागरिक बने हुए, किसी के प्रति ये बात नहीं है। और देशवासियों का ये आह्वान है कि जनसंख्या में असंतुलन उत्पन्न कर रहे सभी कारणों की पहचान करते हुए जन जागरण द्वारा देश को जनसांख्यिकीय असंतुलन से बचाने की सभी विधि सम्मत प्रयास करें। कैरो में एक परिषद हुई थी राष्ट्रों की, उसमें सबके साथ अपने देश का जो अधिकृत संकल्प है, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, उस संकल्प के बाहर इसमें कुछ भी नहीं है, सब उसके मर्यादा के अंदर है। क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है, अभी जैसे एक अचानक आ गया वायव्य सीमा के पार तालिबान खड़ा हो गया। अब तालिबान का पूर्व चरित्र क्या है हम सब जानते हैं, और उसकी जो बातें हो रही है वो दो प्रकार की हो रही है। कभी कहता है कि अच्छे रहेंगे, कभी कहता है कि नहीं हम वही है पहले से। तो इसका एक स्पष्ट संकेत है कि हमसे सावधान रहना चाहिए। और तो और उस समय उसका समर्थन करने वाले जब खड़ा हुआ था, रशिया भी था, तुर्कस्तान भी था, चीन और पाकिस्तान तो आज भी है। अब तालिबान बदला भी होगा, पाकिस्तान बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। चीन का इरादा भारत के बारे में बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और इसलिए यह मानते हुए भी हृदय परिवर्तन हो सकता है, बुरा से बुरा आदमी भी बदल सकता है, बातचीत से, संवाद से बातें हल होती है, प्रेम से, अहिंसा से मामला ठीक हो सकता है, इसको मानना चाहिए, इसके प्रयास भी जारी रखने चाहिए, लेकिन अपनी सावधानी, अपनी तैयारी को पूर्ण रखते हुए हमको सजग भी रहना चाहिए। हमारी सीमा सुरक्षा और अधिक चाक चौबंद होने की आवश्यकता है। जहां बार बार आक्रमण होते वहां तो ठीक ही है, लेकिन जहां नहीं होते, नहीं होते ऐसा हम कहते हैं लेकिन चोरी छुपे होते रहते हैं, सागरी सीमा है। हमारे सागरी प्रदेश में जो टापू है, देश के अंदर की बातें हैं, इन सबको बहुत अच्छा करना चाहिए,
इंटरनेट के उपयोग के कारण अब साइबर सिक्योरिटी का भी प्रश्न खड़ा हो गया है। उसके मामले में हमको बहुत आगे जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। और ऐसी बातों का परिणाम अंदर उपद्रवी लोगों के मनोबल पर न हो, हुआ तो भी वो कुछ न कर सके, ऐसा हमको ठीक रखना पड़ेगा। अभी अभी जम्मू कश्मीर में होकर आया, वहां सामान्य जनता को 370 हटने के अच्छे लाभ मिल रहे हैं, उसको तो मानते हैं, लेकिन और आगे बढ़ते हुए उनका देश के साथ सात्मीकरण हो, इसके प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है। मन से एक होना चाहिए, भारत से किसी भी भारतीय के रिश्ता लेन देन का नहीं है। हम भारत माता के पुत्र हैं, हम भारत के अंग हैं। कश्मीर की जनता को उसके मन में उस भावना को हमको विकसित करना पड़ेगा। इस दृष्टि से शासन के, समाज के दोनों के प्रयास चल रहे हैं और बढ़ने चाहिए, उसमें गति आनी चाहिए। ये अगर हम करते हैं तो फिर आतंकवादियों की गतिविधियों का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अभी 370 हटने के बाद उनके प्रति जो डर था वो भाग गया। अब वो डर से ही काम लेते थे तो उस डर को वापस लाना उनके लिए आवश्यक है। इसलिए चुन चुन कर जैसे पहले करते थे, मनोबल गिराने के लिए टारगेटेड वायलेंस, लक्षित हिंसा वो कर रहे हैं। उद्देश्य कही है उनका कि अपने डर को फिर से स्थापित करना, और समाज वहां संघर्ष कर रहा है। वो कह रहा है कि एक बार डरे डरे अब नहीं डरेंगे, आप डर को वापस नहीं ला सकते। लेकिन शासन को भी बड़ी चुस्ती से इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, तब इस संघर्ष को हम ले लेंगे, जीत लेंगे। हिंदू समाज को ये सब करना पड़ेगा, और हिंदू समाज के अपने भी कुछ प्रश्न है, जैसे मंदिरों का प्रश्न है। हिंदू समाज के मंदिरों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन देश के हर भाग में अलग अलग है। दक्षिण के प्रायः सभी मंदिर सरकार के अधीन है, छोटे छोटे मंदिर जो स्वतंत्र है वो उपेक्षित है। बाकी भारत में कुछ मंदिर सरकार के अधीन है, कुछ मंदिर भक्तों के अधीन है। सरकार के अधीन भी कुछ मंदिर बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत सुंदर, साफ सुथरे, प्रेरणा देने वाले, भक्तों की मदद, समाज की सेवा करने वाले। सरकार के अधीन भी है और भक्तों के अधीन भी मंदिर बहुत अच्छे चल रहे। दिल्ली का झंडे वाला मंदिर है, अपने आप पास में शेगांव का मंदिर है, भक्तों के अधीन है, उत्तम चल रहे, व्यवस्थित चल रहे, पवित्र चल रहे, स्वच्छ चल रहे, और समाज की भी कई प्रकार से सेवा कर। ऐसे व्यवस्थापन की दृष्टि से वैष्णो देवी मंदिर सरकार ने लिया, वो ठीक ठीक चल रहा है। जगमोहन जी थे, वो श्रद्धालु थे, इसलिए ठीक हो गया प्रबंध। लेकिन जहां ऐसा नहीं है वहां क्या हो रहा है? लूट चल रही है। मंदिरों की जमीन बेची गई, मंदिर की संपत्ति हड़पी जाती है, हिंदू मंदिरों की संपत्ति अहिंदू, जिनको हिंदू देवी देवों पर श्रद्धा नहीं है उनके लिए लगाई जाती है। हिंदू को भी आवश्यकता है, वहां नहीं लगाई जाती। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी है, सब प्रकार के हैं। यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि मंदिर के मालिक भगवान है और कोई नहीं हो सकता, पुजारी केवल व्यवस्थापक है। यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार व्यवस्था उत्पन्न करने के लिए कुछ समय तक ले सकती है, 1-2-3 वर्ष, उसके बाद वापस करना पड़ेगा। और इसलिए एक बार इसका निर्णय होना चाहिए ठीक से, और निर्णय यह भी होना चाहिए हिंदू समाज इन मंदिरों को कैसे रखेगा, हिंदू समाज की क्या व्यवस्था है अपने मंदिरों को, जैसे वो पहले समाज के जीवन के केंद्र हुआ करते थे वैसे चलाने का। क्योंकि हिंदू समाज की श्रद्धा जगे, हिंदू समाज का बल जगे, हिंदू समाज के लोगों के आपत्तियों का निवारण हो,
उनको श्रद्धा मिले, उनको सहारा मिले। इस दृष्टि से हिंदू समाज की ये जो सारी व्यवस्थाएं आज भी है, पतित हो गई है, उनको ठीक करने के लिए हिंदू को जगाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू समाज का ऐसा होना ही सारी बातों का आधार है। हमारे देश का स्व आध्यात्मिक है, उसमें अनेक पूजाएं आ सकती है, बाकी पूजाएं समाई भी जा सकती है, वो पूजा पर निर्भर नहीं करता। शासन प्रशासन देश को कैसे चला गया एक बात होती है, लेकिन देश को तो सही अर्थों में समाज चलाता है, और अपने समाज का जो स्व है वो स्व छोटी पहचानों के संकुचित अहंकार को भूलकर उनको स्वीकार करना, पहचानों को उनका पूर्ण सम्मान करना, उन सब पहचानों को आदर और विकास का अवसर मिलना, परंतु उसके अहंकार में फंसना नहीं। उससे बड़ा हम सब एक समाज है, ये संपूर्ण भारतवर्ष हमारी मातृभूमि है, राष्ट्र हमारे यहाँ राज्य आधारित नहीं है, नेशन स्टेट नहीं है, हमारे यहाँ जनपदवती भूमि ये राष्ट्र का आधार है। जनपद याने समाज, समाज याने केवल भीड़ नहीं, समाज याने एक समान लक्ष्य लेकर आगे बढ़ने वाला समूह, परस्पर आत्मीयता की का संबंध रखने वाला, एक मातृभूमि का अपने आप को मानने वाला। यह भारतवर्ष व्यवस्थाओं में भी विविधता, लेकिन सदैव एक राष्ट्र रहा है, और उसका स्व है सभी विविधताओं का स्वीकार सम्मान, सब उपासनाओं का हम स्वीकार कर सकते हैं। ये बात सही है कि उपासना आक्रमणकारियों के साथ भी दुनिया की दो यहां आई है, शरणार्थी होकर भी दुनिया की दो उपासनाएं यहां आई है, यहूदी और पारसी, इस्लाम और ईसाइयत आक्रमकों के साथ प्रवेश कर गई या आक्रमकों के साथ बढ़ी, लेकिन वो इतिहास हो गया, उन आक्रमकों के साथ नाता नहीं है किसी का। सब अपने उन हिंदू पूर्वजों के वंशज है जो इस विविधता को एकता का ही आविष्कार मानकर सबका स्वीकार सम्मान करते थे, आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहते थे और सभी एक दूसरे का आदर करके चलते थे। उन्हीं हिंदू पूर्वजों को सब वंशज है, वही भारतवर्ष सबकी मातृभूमि है, जिसके सिवाय किसी को गति नहीं है और कहीं, और उसकी यह सबको अपना मानने वाली सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ऐसा गौरव से जिसको कहा गया है, मनुष्य में मनुष्यत्व को जागृत करने वाली उस संस्कृति का असर सब पर है, उस संस्कृति को मानकर सब पर चलना, यह सब ने मान्य करना चाहिए। इसमें किसी को पूजा नहीं छोड़नी पड़ती, भाषा नहीं छोड़नी पड़ती, कुछ नहीं छोड़ना पड़ता, अपना कट्टरपन, अपने मन के अलगाव की भावना और अपनी छोटी पहचानों का अनुचित अहंकार छोड़ना पड़ता है, उसका गौरव सुरक्षित रहता है, उसकी प्रतिष्ठा, उसका स्वीकार सम्मान सुरक्षित रहता है। राष्ट्रवासियों के लिए इस आह्वान का स्वीकार करके ही भारत की एकात्मता अखंडता वापस आएगी, यही इमोशनल इंटीग्रेशन कहा गया है, जिसका आह्वान अपने संविधान ने किया है, इसके लिए सबने प्रयास करना चाहिए, ऐसा दिग्दर्शन किया है। और यह सारा तब समझेंगे लोग जब हिंदू समाज ऐसा होकर दिखेगा। हम अपने छोटे छोटे अहंकार भूलकर सबको अपनाने की नियत रखें, हमारी संस्कृति तो सबको अपनाती है, हमको डर नहीं लगना चाहिए किसी को अपनाते समय, डर लगता है क्योंकि हम दुर्बल हैं, हमको शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती क्षार क्षार, ऐसा बल होना पड़ेगा, लेकिन जगती को क्षार क्षार नहीं करना है, भूभाग नहीं, शत शत मानवों के हृदय जीतने का निश्चय। जो हाथ उठाए उसका हाथ न रहे इतना सामर्थ्य होना चाहिए, लेकिन सामर्थ्य का उपयोग क्या करना चाहिए, दुर्बलों की रक्षा।
शील और शक्ति को साथ में लेकर हिंदू समाज को चलना चाहिए, क्योंकि दुनिया दुष्टों की है, वो बिना शक्ति सत्य को भी नहीं मानती। तो हिंदू समाज को अपने भेद भूलकर संगठित होना पड़ेगा, शक्ति संपन्न होना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा कि इस अर्थ में हम सब हिंदू हैं। इसको समझा, इसलिए तो हमारे इतिहास में राणा सांगा के साथ अकबर से लड़े, बाबर से लड़े, हसन खां मेवाती हो गए। राणा प्रताप के साथ अकबर को टक्कर देने वाले हकीम खां सूरी हो गए। खुदा बख्शा और गौस खां जो अंतिम सांस कर झांसी की रानी और उसके वंशजों के साथ रहे, वो हो गए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के जिगरजान दोस्त अशफाक उल्ला खान जैसे क्रांतिकारी, उसी ने हमको दिए। बारामुल्ला में कबाइलियों के आक्रमण के आगे देश के एकात्मता को किसी प्रकार से समझौते में न लाते हुए अपना बलिदान करने वाले मकबूल शेरवानी भी उसी के कारण हुए। अपने सेना के वीर जवानों में ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर हवालदार अब्दुल हमीद जैसे वीर इसी के कारण हुए। इतिहास है, कभी इस्लाम आक्रमक के नाते आया, उनसे हमारा नाता नहीं है। आज हमको मुसलमान रहना भी है, हम रह सकते हैं, अपना देश उदार है। हमारे आदर्श ऐसे मुसलमान होंगे जो देश के प्रति न्योछावर हो गए, हमारा जीवन वैसा बनना चाहिए। हिंदू समाज अपने आप को संगठित शक्ति संपन्न बनाकर इस अपनत्व की भाषा से लोगों को समझाता है तो अपने देश में लोग समझ जाएंगे कि आतंक, कट्टरता, द्वेष और स्वार्थ के समय में दुनिया में कोई नहीं है जो इससे तारेगा, केवल वह हिंदू समाज है वो जो सबको स्वीकार करता है और वो शक्ति संपन्न है, वो इस दायित्व का निर्वाह कर सकता है, यह भारतीय संस्कृति सबको दे सकता है, उसमें वह बल खड़ा हो गया है। इस बल को खड़ा करना अपना काम है। इतिहास की घटनाओं को विद्वेष के लिए नहीं स्मरण करना है, उससे सबक लेकर यह न बढ़े विद्वेष, इसके लिए सुनना है। जन्मेजय ने व्यास जी को सर्पयज्ञ उसका जब खंडित हुआ तब यही कहा कि हमने सुना कि हमारे जो पूर्वज थे कौरव और पांडव, उनमें बड़ा भयंकर संहारकारी युद्ध हुआ, ये कैसे हुआ, यह आपस में शत्रुता क्यों बढ़ी, दोनों तो भाई भाई थे और दोनों तरफ अच्छे अच्छे लोग थे, कर्तृत्व संपन्न लोग थे, कौन सी ऐसी खटास थी जो दूर नहीं हो सकी, क्या किसी ने उस बैर को शमन करने का प्रयास नहीं किया, ये महाभारत क्यों हुआ बताइए। तब व्यास जी ने महाभारत की कहानी बताई, कलह बनाने के लिए नहीं, कलह मिटाने के लिए बताई। भारत के साथ संपूर्ण मानवता की परस्पर आत्मीयता सदा के लिए अभिन्न रूप से जुड़ी है। उस भारत को, उस परंपरा को, संस्कृति को, समाज को सर्वांग सुंदर रूप से सबल होकर खड़ा होना पड़ेगा। हम सबको हिंदू के नाते व्यक्तिगत स्तर पर बल, साहस, तितिक्षा, धैर्य, ओज, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तीनों प्रकार का इसकी साधना करनी होगी। समाज के नाते सारी बातों का उपाय करने के लिए सामूहिक कार्य करने का अभ्यास करना होगा। सामूहिकता से चलने की स्वभाव में आदत डालनी पड़ेगी। यह बल किसी की विरोध और प्रतिक्रिया में नहीं है। हमारी फूट के चलते हमको तोड़कर अपने स्वार्थ के उल्लू सीधा करने के लिए सब लोग ताक पर है, इसको समझते हुए, और ये हमारा स्वभाव होना चाहिए हिंदू के नाते, संगठित रहना, बल संपन्न रहना, संपूर्ण मानवता के लिए अपने बल का उपयोग करना, ये कर्तव्य निर्वाह करने के लिए ऐसे हिंदू समाज को खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि जागरूक, संगठित, बल संपन्न और सक्रिय हिंदू समाज ही सब समस्याओं का समाधान है। यही काम तो हम करते हैं। भारत के ओर से, भारत की जो प्रगति है उससे विकास की अपेक्षा भारतीयों की जैसी भारत से है, वैसे संपूर्ण विश्व की अपेक्षा है एक नई राह दिखाने की। उसके लिए भारत को तैयार करना, अपनी विविधता को अपनी एकता का श्रृंगार बनाकर बल के साथ
सब प्रकार के जीवन का उत्तम उदाहरण बनकर दुनिया में खड़ा, संपूर्ण देश को प्रेम से पुकारता ललकारता हुआ, अपनी छत्र छाया में अधिक अच्छे मनुष्य बनकर सृष्टि के साथ कल्याण की राह पर अग्रसर करने वाला विश्व गुरु भारत हमको खड़ा करना है। संघ के स्वयंसेवकों की अपेक्षा इसके लिए है और आप सब समाज के लोगों का योगदान भी उसमें संघ चाहता है। इस यज्ञ में आपकी भी सबकी संविदा पड़े, सारा समाज इसके लिए अग्रसर हो तो भारत का भाग्य बदल जाएगा। वो भाग्य बदलना है, वो भारत की आवश्यकता है, वो समय की विश्व की आवश्यकता है। और इसलिए भ्रांति जनमन की हटाते, क्रांति का संगीत गाते, एक के दशलक्ष होकर कोटियों को है बुलाते, इस पद्धति से हमको आगे बढ़ना है। क्योंकि तुष्ट माँ होगी तभी तो विश्व में सम्मान पाकर बढ़ रहे हैं चरण गणित, बस इसी धुन में निरंतर। भारत माता की जय। उत्तिष्ठ आ रम संघ दक्ष ध्वज प्रणाम। एक दो तीन संघ वी किरो वाम पृथव आ रम स्वस्थ